भाई को भाई कौट आई झारसुड़ा सब मन अच्छी महाप्रभु को जनइबे महाप्रभु पाखे जीवे समर्पित हे से मन भितर रखी गले महाप्रभु आगे प्रकाश करेंगे पर से अनुभूति सब केमी था आगुरी तो दर्शन करेंगे बहुत मन शांति लगे भल लगे आपन को संबलपुर संबलपुर सकाल दर्शन मिले पूरा दिन केमती कट दिन भल कटे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन दिन सब भल जाए आपड़ कौट आसते केमती कौन सब अनुभूति रही महाप्रभु प्रति केबे से सत्ता को से चिंता चेतना को अनुभव कर हाँ ये तो बहुत डोरी माने एबे भी माने डोरी लागिला बहुत दिन ये थी माने कि आम जीवा जगह को देखिया ये सब कर अच्छे लगे जिते दर्शन मिल जाए क्या ये आसला प्रतीक्षा करिया को पड़े पुणी भीड़ थाए से भीड़ को आड़े कि जीवा को पड़े तापर जो दर्शनटा मिले पूरा आत्मा पूरा शांति पूरा माने आउ मन भी जहाँ भी थी कि माने जहाँ भी थाए पूरा आत्मा पूरा पूरी ये ही प्रफुल्लित तो ये अन्य प्रतिक्रिया आगे कौट कहाँ से आए थे बिहार से हाँ वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं हाँ मंदिर नहीं रथ यात्रा निकलती हम लोग के यहाँ अच्छा हाँ जिस समय यहाँ रथ यात्रा निकलती हम लोग के यहाँ भी रथ यात्रा निकलती है देखा वहाँ हाँ वहाँ देखा और प्लान था एक साल से कि आना है जगन्नाथ यात्रा इसीलिए क्या मतलब अनुभव है यहाँ आने का मन क्यों करता है हमेशा अगर आप वहाँ भी रथ यात्रा करते हैं अगर वहाँ भी जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं हाँ होता है कि मतलब लगता है कि जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है ना तो वहाँ आने का मन करता है एक मतलब अपने आप में लगता है कि हमारा चार धाम है तो चार धाम में एक धाम चारों धाम घूमना चाहिए जिसमें कि पहला ये आए हैं हम उसके बाद बाकी तीन धाम एक एक साल में हर साल घूमेंगे जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं हर समय आपने रथ यात्रा में भी वहाँ शामिल होते हैं कभी जगन्नाथ जी को फील किए हैं मतलब ऐसा कुछ घटना हो जहाँ आपको पूरा जो जगन्नाथ जी के सत्ता अनुभव हुए हो मतलब ऐसा लगा हो कि जगन्नाथ जी खुद आके ये काम किया मतलब कभी कभी लगता है कि विष्णु जी हैं जी जो हैं वो मतलब कि आते हैं कभी कभी स्वप्न में या फिर मतलब कभी कभी कोई वैसा काम हो जो नहीं पूरा चाहते हैं वो हो जाता है तो लगता है कि भगवान की कृपा से हो गया है हाँ बांट सकते हैं हमारे मतलब एक बार लग रहा था जैसे कि मतलब कि हम 10th में थे ना तो एक बार लग रहा था कि मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा लेकिन फिर भी 7 मतलब स्कूल टॉपर थे तो वो लगा कि मतलब ठीक ठाक है तो ये भगवान का ही है तब भी आपने विश्वास में जगन्नाथ जी को बुला रहे थे जी अच्छा हाँ मतलब हम लोग के यहाँ तो मतलब इन्हीं का एक नाम है विष्णु जी तो वो हम लोग के यहाँ पूजा होता है तो यहाँ उड़ीसा में आते हैं तो जगन्नाथ जी इसलिए वहाँ विष्णु हाँ वहाँ विष्णु जी मंदिर है विष्णु हाँ विष्णु के मंदिर है आपके घर से कितने दूर है मतलब वही 1 किलोमीटर जाना पड़ता है 1 किलोमीटर हाँ तो उतना हाँ उतना तो हाँ हर दिन नहीं मतलब सप्ताह में 2 या 3 दिन जाते हैं समय निकाल के जाते हैं हाँ काम से हाँ अन्य प्रतिक्रिया नवा आगे कौट आसते आगे कहाँ से आए यूपी से जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे जानना चाहेंगे आपकी अनुभूति जानना चाहेंगे क्या अनुभूति आपकी जानना चाहेंगे फीलिंग्स क्या आस्था है आस्था है उसी आस्था से आए हुए दर्शन को हुआ हाँ हुआ जब भी उनके दर्शन मिलता है तब कैसा फील होता है मतलब वो जो क्षण रहता है वो जो समय रहता है वो समय होता है भगवान के मिलने का समय दूसरा ही होता है दूसरा ही समय होता है जब मिल रहा है कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ घटना घटा है तो आप बांट सकते हैं कि आपको लगा हो कि भगवान ने ये काम किया आस्था ही बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके ऊपर आस्था है तो बिल्कुल विश्वास है तो सब कुछ है विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है अच्छा तो आप विश्वास बिल्कुल विश्वास है इसलिए है अन्य प्रतिक्रिया ना भाई कौट आसते खोर्धा डिस्ट्रिक्ट सिकोर सकाल सकाल महाप्रभुंकर दर्शन केमती कौन थाए मन रे सब गोटे अलग प्रकार थाए महाप्रभुंकर दर्शन करने डोरी न लगे केवे भी दर्शन हुए नहीं तो बहुत टे फिलिंग्स अलग आसो निश्चिंत कम आरंभ पूर्व दर्शन आरंभ हो जाए और दर्शन कर सारापर कम करने को मिले कौन किसी अलग अनुभव हुए निश्चिंत तो सक्सेस हुए मोर मुझे यहाँ के आज नुह के भी ये करा मोर हो सक्सेस होते ढड़ा होती आपको दिनचर्या आरंभ करने पूर्व दिन कम आरंभ करने पूर्व दर्शन आपको मिललानी कौन भी हालत में पुणी आपको अफिस् जावाक पड़ो अगर कौटी जावाक पड़ो कम से केमती मानने कौन थाए से मुहूर्त मानते केते जंत्रणादायी हुए जत्ना तो लगे कहीं आसती महाप्रभु दर्शन करने कौन ये पारे निश्चित खराब तो लगे अन्य प्रतिक्रिया टे ना आज्ञा केमती कौन माहौल थाए माहौल को देखती जिते आसती एत भिड़े ठिया होगा पड़े तापर महाप्रभु को दर्शन मिले भल लगे दर्शन मिले भल लगे टी भल लगे ना ना दिए नहीं भगवान दर्शन मिल रहा है हमको भल भाव भक्त श्रद्धालु प्रतीक्षा करके रही जो मुहूर्त को सही प्रतीक्षित मुहूर्त एवं ना भीतर पहुँची सबरी मन उत्साह जय जगन्नाथ ध्वनि प्रकम्पित होची अंचल श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड सिंहद्वार कहीं भीतर आगमन ही सिंहद्वार खोली जाए एवं सिंहद्वार खोलिले भक्त श्रद्धालु मान को पर्याय पर पर्याय भीतर को जावा मिलता है। ये दृश्य आपड़ देखुंत जे सिंहद्वार फिटा जोटा प्रत्येक दिन आपड़ देखा अपेक्षा कर